तो गाइस आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिस्टिक आर्ट्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर स्ट्रेंज स्टोरी है एक टैलेंटेड न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की, जिसने एक कार एक्सीडेंट में अपने हाथों की हड्डियों को तोड़वा लिया और इस वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। पर इसी चक्कर में डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने कमरताज नाम की जगह के बारे में पता किया और वहां रहकर वो बने सॉर्सरर सुप्रीम। तो गाइज आपका स्वागत है रोड टू इन्फिनिटी वॉर के एपिसोड 14 में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं 2016 में आई फेज 3 की दूसरी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट डेरिक्सन ने, जिन्हें जाना जाता है हेलरेजर, सिनिस्टर और अर्बन लेजेंड जैसी मूवी के लिए। इस मूवी का टोटल बजट था $165 मिलियन, जबकि इस मूवी ने कमाई करी $677 मिलियन की। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 out of 10 और इस मूवी को 64 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसने 19 अवार्ड्स जीते। मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने के काम के लिए एक कॉन्सेप्ट वीडियो को अपने खर्चे पर बनाया, ताकि मार्वल उन्हें ये जॉब तुरंत दे दे। मूवी में क्रिस्टीन पाल्मर का रोल प्ले कर रही रेचल मैकएडम्स अपनी एक्टिंग के लिए बहुत जानी जाती हैं। उनके साथ काम करने वाले डायरेक्टर्स के हिसाब से वो अपना कैरेक्टर कभी नहीं छोड़ती, पर जब इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के जाने के बाद एक झाड़ू गिर जाता है तब वो असली में डर जाती हैं और मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन इस शॉट को मूवी में रखने का फैसला करते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर से बात कर रहे होते हैं तब हम उनके हाथों में येलो ग्लव्स देख सकते हैं। ये ग्लव्स होमेज है डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम को, जिन्हें उन्हें अपने हाथों को बचाने के लिए पहनना पड़ता है। कॉमिक्स में एंशिएंट वन एक बूढ़े आदमी होते हैं, पर मूवी में इस रोल को प्ले किया है टिल्डा स्विंटन ने। ये एक अचानक लिया हुआ फैसला था, जिसमें स्कॉट डेरिक्सन ने एंशिएंट वन को एक टाइटल बताया बजाय कि किसी के नाम के। हालांकि एंशिएंट वन के रोल के लिए मॉर्गन फ्रीमैन को भी कंसीडर किया जा रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच स्टूडियो की पहली चॉइस थे, पर शुरुआत में शेड्यूल की दिक्कत की वजह से उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। पर जब इस मूवी की रिलीज डेट को पुश किया गया तब वो मान गए। अगर बेनेडिक्ट कम्बरबैच इस मूवी के लिए हाँ नहीं कहते तो स्टूडियो इस रोल के लिए जोएकिन फिनिक्स को चुनता। डॉक्टर स्ट्रेंज की गाड़ी क्रैश होने से पहले उन्हें एक 22 साल की लड़की के बारे में बताया जाता है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, प्लस उसके सर पर बिजली गिरने की वजह से उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट लगाया जाता है। ये लड़की होती है मैडलिन जॉयस, यानी मिस अमेरिका, जिसको उसकी सुपरहीरो पावर्स इसी तरह मिली थी। कॉमिक्स में मिस अमेरिका को अभी जाना जाता है अमेरिकन शेवेस के नाम से। कॉमिक्स में काइसिलियस बैरन मॉर्डो का चेला होता है, पर मूवी में उसे एक मेजर विलन की तरह दिखाया गया, जिसमें मॉर्डो, कैलू और माइंडलेस वन जैसे ट्रेट्स थे। मूवी के एंड में जब काइसिलियस और उसके चेले डार्क डायमेंशन की तरफ खींचे चले जा रहे थे तब वो लोग डार्क और आंखों से लाइट निकालते हुए क्रिएचर बन जाते हैं। कॉमिक्स में ये क्रिएचर्स कहलाते हैं माइंडलेस वंस, जो कि डोरमामू के नौकर होते हैं। मूवी में दिखाए गए मैजिक को फिल्म मेकर्स ने डायमेंशनल ट्रैवलिंग और शिफ्टिंग कहा है। उनके हिसाब से वो बस सिंपली मैजिक से कैरेक्टर को लड़ता हुआ नहीं दिखाना चाहते थे। उनके हिसाब से ये एक एबिलिटी है किसी भी डायमेंशन में जाने की और उस डायमेंशन के एस्पेक्ट को अपने रियल में लाने की। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की एक छोटी बहन भी होती है, जिसकी मौत उन्हें डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट करती है। इस रोल के लिए रेडी प्लेयर वन की एक्ट्रेस लूलू विल्सन को कास्ट किया गया था, पर मूवी के रनिंग टाइम को घटाने के लिए उनके साथ फिल्म किए गए शॉट्स हटा दिए गए। मार्वल फिल्म्स की पॉपुलैरिटी की वजह से रेचल मैकएडम्स किसी भी एमसीयू मूवी में काम करने के लिए रेडी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन के हिसाब से वो क्रिस्टीन पाल्मर के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस थी। हालांकि उन्होंने 2008 में आई आयरन मैन मूवी में पेपर पॉट्स के रोल के लिए भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, पर तब जॉन फेवरू ने उन्हें मना कर दिया था। मूवी में मॉर्डो के पास एक रेलिक होता है, जिसे वो कहता है स्टाफ ऑफ द लिविंग ट्रिब्यूनल। कॉमिक्स में लिविंग ट्रिब्यूनल एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, तो इस मूवी में उनके स्टाफ का दिखना ये बताता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कॉस्मिक एंटिटीज कभी अर्थ पर आए थे। यही रीजन है कि हमें टेसरेक्ट भी अर्थ पर दिखा। मूवी में मॉर्डो बार बार बोलता है द बिल कम्स ड्यू। ये चीज ली गई थी 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स से, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को जादू यूज करने के लिए बार बार वार्निंग दी जाती है। ये वार्निंग दी गई थी एंटी मैजिक साइंटिस्ट द एम्पिरिकल के द्वारा, जो कि अर्थ के मैजिशियंस की पावर्स छीन रहा था, जैसे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मॉर्डो छीन लेता है। ये बेनेडिक्ट कम्बरबैच का आइडिया था कि डोरमामू के मोशन कैप्चर के लिए उन्हें यूज किया जाए। ये आइडिया स्कॉट डेरिक्सन को बहुत जबरदस्त लगा। उनके हिसाब से एक छोटे से मैजिशियन का एक बड़े से डायमेंशनल बींग से भिड़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए खुद बेनेडिक्ट ही परफेक्ट रहते। अपने एक्सीडेंट से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को एक US एयरफोर्स कर्नल के बारे में पता चलता है, जो कि किसी एक्सपेरिमेंटल आर्मर की टेस्टिंग में इंजर्ड हो गया था। कई फैंस के हिसाब से कर्नल जेम्स रोड्स हैं, जो कि सिविल वॉर के दौरान घायल हो गए थे, पर कई हद तक ये कर्नल जस्टिन हैमर का एक्सपेरिमेंट पायलट था, जिसे हमने आयरन मैन 2 में देखा। तो गाइस ये थे कुछ जबरदस्त फैक्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के। ये मूवी जादुई होने के साथ साथ ऑसम भी थी, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि इस मूवी में आपका फेवरेट सीन कौन सा था। ऊपर से
लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और ऑसम सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पर से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉमिक्स में मैजिक यूज करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।